उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की सेना के ड्रोन यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो के सदस्य देश रोमानिया तक पहुंच गए। ये घटना कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन रोमानिया ने अब माना कि उसकी सीमा के अंदर ड्रोन का जो मलबा मिला वो रूस के ड्रोन का था, जिससे रोमानिया की चिंता बढ़ गई। साथ ही इस घटना के बाद नेटो पर भी कार्रवाई का दबाव बढ़ गया, क्योंकि करीब 18 महीनों से यूक्रेन को जंग की आग में जलाने वाले रूस के ड्रोन अब नेटो के सदस्य देशों की सरहद तक पहुंच गए। काला सागर के पश्चिमी किनारे पर मौजूद रोमानिया के बॉर्डर यूक्रेन से लगते हैं, और रोमानिया ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के इजमाइल शहर के पास अपनी सीमा में ड्रोन का मलबा बरामद किया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब उस मलबे की जांच की गई तो पता चला कि वो टुकड़े रूस के ड्रोन के थे। इससे पहले यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस की सेना ने जानबूझकर रोमानिया पर हमला किया था। हालांकि रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने इस दावे से भी इनकार नहीं किया कि रूस के वो ड्रोन यूक्रेन के इजमाइल शहर पर हमले के दौरान गलती से उसकी सीमा में पहुंच गए। इधर महाराष्ट्र के पालघर में एक मेकअप आर्टिस्ट की हत्या का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए हत्या के आरोपी की पत्नी ने भी मदद की, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें मनोहर शुक्ला नाम का वो आरोपी अपनी पत्नी, एक बच्ची और एक नीले रंग के ट्रॉली बैग के साथ लिफ्ट में दिखा। पालघर पुलिस को ये वीडियो उस मेकअप आर्टिस्ट नैना महत की तलाश के दौरान जांच में मिला। पुलिस के पास उनकी बहन ने नैना के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मनोहर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मनोहर और नैना 5 साल से रिलेशन में थे, और नैना उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन पहले से ही शादीशुदा मनोहर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि नैना ने उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था, जिसे वापस लेने के लिए वो नैना पर दबाव बना रहा था। उसको फोन करता था, उसको धमकी देता था कि मेरे जो गुने हैं वो वापस ले। पुलिस के मुताबिक 9 अगस्त को मनोहर ने नैना के फ्लैट पर पानी भरी एक बाल्टी में उसका सिर डुबोकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को नीले रंग के ट्रॉली बैग में भरा और अपनी पत्नी के साथ ले जाकर गुजरात के वलसाड़ में फेंक दिया। इस बीच दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक रेस्टोरेंट में बिल पर हुई मारपीट का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग उस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ मारपीट करते दिखे, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में एक आदमी ने पहले एक कर्मचारी को लात मारी, जिसके बाद जब उस कर्मचारी ने पलटवार किया तो वो आदमी और हमलावर हो गया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। इस दौरान उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ आ गए और उस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव भी किया, लेकिन वो नहीं रुके और मारते रहे। उस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों का आरोप है कि वो लोग नशे में धुत होकर वहां खाना खाने आए थे और बिना बिल दिए वहां से जाने लगे। ऐसे में जब उस कर्मचारी ने उनसे बिल के पैसे मांगे तो वो उससे मारपीट करने लगे और बिना बिल दिए वहां से भाग गए, जिसके बाद उस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक होटल में फैशन शो के दौरान दो हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोगों ने जमकर बवाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के फैशन शो के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है, और इसी का विरोध करने पहुंचे दो हिंदूवादी संगठनों ने फैशन शो में घुसकर प्रदर्शन किया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता एक होटल में घुसते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने वहां चल रहे फैशन शो को रोक दिया। इस दौरान वहां जमकर हंगामा भी हुआ, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा। होटल में विरोध करने पहुंचे लोगों ने फैशन शो में शामिल होने आई महिलाओं को इस तरह के आयोजन से दूर रहने की हिदायत भी दी।